हेलो, हेलो, नमस्ते डॉक्टर। आपको प्रणाम करती नमस्कार हैं। प्रीति, क्या सवाल पूछना पूछिए चाहेंगे प्रीति जी? जी। क्या हमारे कारखाने कोई लेबर नहीं दिखता है? हमारे कारखाने कारखाने में लेबर का नहीं दिखता। दरवाजा उत्तर ओके, की तरफ है और मशीन जो है वो पूरब से उत्तर से दक्षिण की तरफ है। प्रीति, जैसे आपने बताया कि आपका कारखाना उत्तर की तरफ है, तो फॉर श्योर आपके कारखाने का गेट उत्तर पश्चिम की तरफ होगा। उत्तर पश्चिम एक वायु दिशा मानी जाती है और यहाँ का जो गेट होता है किसी को भी स्टेबल नहीं रहने देता, तो लेबर का टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है। आपने इस गेट को प्योर वाइट कलर करना है और गेट के दोनों पिलर्स पर आपने एक एक टाइगर स्टोन रॉक रखना है। यह एक सेमी प्रीशियस रॉक होता है जो कि टाइगर की स्किन लिए हुए होता है, यानी कि टाइगर का टेक्सचर लिए हुए होता है, और जहाँ पर भी इस रॉक को रख दिया जाता है स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आपने नॉर्थ वेस्ट के गेट को प्योर व्हाइट कलर करना है और टाइगर स्टोन रॉक रखने हैं दोनों तरफ। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे आपने हमें जी सूत्र बताए, बहुत सारे जी फार्मूलाज आपने हमारे साथ शेयर किए। कुछ और चीज़ें हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए जी कि अपने किचन के दो दोष हैं, जो वास्तु दोष हैं, उनको जी हाँ बेहतर किस प्रकार कर सकते जी हैं। हाँ, देखिए किचन में खास तौर से आपके पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इक्विपमेंट्स में जो हम बात करते हैं चाकू, छुरी और तीन चार प्रकार के चाकू आप रखते हैं और उसे प्रॉपर आप डिस्प्ले करके रखते हैं। तो दोस्तों, चाकुओं को, छुरियों को, कैंचियों को कभी भी आपने डिस्प्ले नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि किचन में जो वेंटिलेशन होता है वह प्रॉपर नहीं होता, तो प्रॉपर वेंटिलेशन आपने किचन में देना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।